नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरभो, बरपेटा, असम। कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा रोचक और ज्ञानवर्धक ऐसी कविता लेकर आए हैं। उस कविता का नाम है कबीर की साखी। बच्चों, इन साखियों के माध्यम से कबीरदास ने हमें जो गुरु और शिष्य का संबंध बताकर गुरु के द्वारा शिष्य को किस प्रकार ज्ञान दिया जाता है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं हम आज कि किस प्रकार गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया है साखियों के माध्यम से, उसके बारे में हम देख लेते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले साखी को देख लेते हैं। साखी कबीरदास 1398 से लेकर 1518 तक का इनका जो कार्यकाल रहा है, वैसे देखा गया तो ये कार्यकाल दिया गया है और यहां जो दिया गया कार्यकाल है विविध किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी इनके जन्म के बारे में या उनके इन जन्म तिथि के बारे में आप आज भी वादिवाद चलता रहता है। चलो इसमें हमें पढ़ना नहीं है बच्चों, लेकिन तभी भी हम देख लेते कि एक अंदाज से इनका जो कार्यकाल है वो लगाया गया है। बच्चों, सबसे पहले हम साखी शब्द का अर्थ देखेंगे। साखी शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत बार आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है कि साखी का मतलब क्या है, एक मार्क के लिए पूछा जाएगा साखी शब्द का अर्थ क्या है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। बच्चों, यह हमें देखने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह जो साक्षी है, साक्षी का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द का साक्ष्य से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष का मतलब एकदम सामने वाला, प्रत्यक्ष सामने जो अनुभव से ज्ञान मिला है वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो देखा गया है। कबीरदास हमेशा अनुभव ज्ञान के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं। मैं ना आंखें न देखी, मैं ना कागज देखी, मैं आंखें न देखी, ऐसे कबीरदास हमेशा बोलते हैं। मैंने आंखों से देखा है, मैंने कभी कागज छुआ नहीं है, मैंने कभी कागज के ऊपर लिखा नहीं है, क्योंकि वो किसी भी क्लास में गए ही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण कर दी है वह अनुभव ज्ञान की शिक्षा है, वो अनुभव से लिए उन्होंने, क्योंकि वो अनुभव ज्ञान को अधिक मानते हैं, अधिक महत्व देते हैं, और इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान जो उन्होंने देखा वो उन्होंने लोगों को दे दिया, जो उन्होंने अनुभव किया वो लोगों के सामने उन्होंने रखा। तो गुरु क्या कर देता है, गुरु भी शिष्य को क्या करता है, अनुभव किया हुआ ज्ञान गुरु शिष्य के पास चला देता है। ये ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। साखी वस्तु दोहा छंद है जिसका लक्षण 13-11 विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगन ऐसा आ जाता है। उसके बारे में यहां कोई आपको विशेषता प्रश्न नहीं आएगा, एक जानकारी के लिए आपको रखना है कि ये दोहा जो छंद है उसका लक्षण क्या होता है। जैसे छंद की मात्रा अलग होती है, दोहे की मात्रा अलग होती है, तो सोरठा है, दोहा है, ये लिखने की विविध पद्धतियां हैं, उनमें से एक दोहा छंद है और इस 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगन, इस प्रकार इसकी विशेषता पाई जाती है। तो इसके ऊपर कोई आपको परीक्षा में विशेषता प्रश्न आने वाला नहीं है, इसलिए आप सिर्फ नॉलेज के लिए रखिए, ज्ञान के लिए रखिए। चलो अभी देखते हैं कि साखी नंबर एक, साखी क्रमांक एक, पहली साखी। इस साखी के माध्यम से
कबीरदास ने अपने शिष्य को किस प्रकार ज्ञान दिया है। यहां गुरु शिष्य को ज्ञान देता है क्योंकि कबीरदास जी गुरु को बहुत ही महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि ना इनके पहले एक दोहा भी है, दोहे के माध्यम से आपको पता चल जाता है, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागे पाए, बलहरी गुरु गोविंद दियो आपने बताए। साक्षात भगवान का दर्शन कौन कराता है? तो गुरु कराते हैं। भगवान के पास जाने का रास्ता कौन बताता है? गुरु। क्योंकि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, संत रैदास जी कहते हैं कि गुरु क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? ऐसे लाल तुज बिनो कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। गुरु क्या कर सकता है? ईश्वर क्या कर सकता है? ईश्वर से सब कुछ संभव है। तो गुरु को महत्व देते हैं। गुरु और साक्षात ईश्वर अगर समान रूप से हम सामने खड़े हैं तो सबसे पहले मैं किसके दर्शन अगर ले लूंगा तो मैं मेरे गुरु के ले लूंगा, क्योंकि गुरु के ही द्वारा हम ईश्वर तक जाते हैं। तो ये गुरु और शिष्य के संबंध में आपको बताने से पहले कि कबीरदास जी गुरु को किस प्रकार का महत्व देते हैं, कबीरदास के जीवन में गुरु का सबसे अधिक महत्व है और वो हमें इस बात के लिए हमेशा कहते ही हैं कि गुरु को आदर देना है, गुरु को सम्मान देना है, क्योंकि गुरु ज्ञान का स्रोत है। गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। हमें ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। हमारे माता पिता गुरु के समान ही, इवन गुरु ही है तो माता पिता गुरु है, वो हमें ज्ञान देते हैं। ये प्रथम हमारे गुरु कौन से है? तो माता पिता। जो भी बड़ों से हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे गुरु है। अध्यापक महोदय है उनसे ज्ञान मिलता है, वो भी हमारे गुरु है। तो ये गुरु के द्वारा एक शिष्य को दिया गया ज्ञान है। घर में भी हमारे माता पिता हमें विविध प्रकार से समझाते हैं कि देखो बच्चे समाज में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसी बात करनी है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। क्योंकि इस समाज में रहते हुए कुछ शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है और तभी हमें सुख की प्राप्ति होती है, नहीं तो हर किसी से झगड़ा होगा। हम कितने लोगों से लड़ते झगड़ते रहेंगे हर दिन, नहीं है। तो समाज में रहते हुए या जीवन जीते समय मनुष्य हर कोशिश करता है कि मुझे हमेशा सुख मिले। तो सुख मिलना है तो आपको क्या करना है? तो प्रथम साथी के माध्यम से आपको व्यवहार सिखाया है, आपको बोलना कैसा चाहिए ये सिखाया है कि व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है। हर कोई तो मीठी भाषा सुनना पसंद करेगा। तो ये प्रथम साथी में आपको यही तो बोल दिया है, ऐसे पानी बोलिए मन का अपाक होई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसको विविध प्रकार से गाते हैं। सुबह सुबह हम जब अगर टीवी पर टेप रिकॉर्डर में या मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से अगर हम ये दोहा सुनेंगे तो वो गाने की पद्धति अलग है। उत्तर भारत में इस प्रकार ये दोहे गाए जाते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, कबीरा औरन को सुख होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, कबीरा औरन को सुख होय। इस प्रकार गाए जाते दोहे सुबह सुबह, ये दोहे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इस दोहे के माध्यम से नीति पर ज्ञान कबीरदास ने हमें दे दिया, नीति ज्ञान कि कैसे बोलना है। प्रस्तुत दोहे का अर्थ या प्रसंग या भावार्थ देखने से पहले बच्चों इस दोहे में
कौन कौन से ऐसे कठिन शब्द आ गए उसको हम देखते हैं। लिख लो ऐसे बानी बोलिए, बानी शब्द लीजिए, बानी का अर्थ क्या होता है बोली, बानी का अर्थ बोली। मन का अपा कोई मन, अपना मन, अपा का अर्थ होता है अहंकार अहम, क्या अर्थ होता है अहंकार या अहम। अपना तन, तन यानी शरीर, शीतल उसको हम शीतल को शीतल लिखना है, शीतल यानी ठंडा शांति इस अर्थ में आता है। ऐसा नहीं है कि शीतल का मतलब इतना ठंडा कि बर्फों के पास ही जाना है, ऐसा नहीं है, शांत होना ठंड होना। सुख से मतलब है गर्मी के दिनों में अगर हमें हमें अगर थोड़ा सा ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाता है तो हम बोलते वाह कितना अच्छा लगा, ठंडा ठंडा लगा, क्या लगा तो सुख लगता है आदमी को, क्या होता है समाधान होता है, सुख मिलता है। औरंग का अर्थ क्या होता है देखिए, औरंग का मतलब होता है दूसरे, दूसरों को, हाँ। और सुख, सुख का मतलब आनंद, कोई मतलब खोना, कोई का मतलब खोना। आप शब्दार्थ समझ रहे ना, देखिए बानी का मतलब बोली, अपा का मतलब अहंकार, और खोना खोई त्याग करना छोड़ना, किसका छोड़ना है तो हम आगे देखेंगे, खोई खोना, शीतल ठंडा, औरंग दूसरों को, ये शब्दार्थ हैं। और ये शब्दार्थ के माध्यम से हम अब साकी नंबर एक जो है इसका अर्थ देख सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा में क्या होता है ना कि आपको प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है कि इसका क्या प्रसंग है, इसका अर्थ क्या है इस साकी का। प्रसंग ऐसा है देखिए बच्चों, प्रस्तुत साकी संत कबीर द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्ष 2 से ली गई है। अब ये हमारी प्रस्तुत साकी है, ऐसे वाणी बोलिए, मन का पा खोए, औरन को शीतल करे अपना तन, या औरन को शीतल करे अपना तन सुख होई। अपना एक तो अपने को सुख होगा यानी दूसरे को सुख होगा, दोनों तरफ से ये दोहा ले सकते हैं। तो प्रस्तुत प्रसंग साकी संत कबीर द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्ष 2 से ली गई है। अब कोई भी अगर दोहा आ जाता है और इस दोहे का अर्थ अगर आपको लिखना है, परीक्षा में ऐसा आता है कि सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो प्रसंग ऐसे लिखना है। ऋषि यस, प्रसंग कैसे लिखना है, इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत साकी संत कबीर द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्ष 2 से ली गई है, और ये सभी दोहे के लिए लिखना है। एक ही लाइन, एक बार याद कर दिए लाइन सभी। साकी में संत कबीर दास जी ने, आप देखिए यहां आपको ध्यान देना है कि ये दोहे में मिट्टी बानी बोलने के फायदे तथा दूसरों को सुख देने, दोने हो गया है, सुख देने की बात की है, ठीक है नहीं, सुख देने की बात की है। तो ये जो भाग है हर दोहे में अलग आएगा, क्योंकि हर दोहे में उन्होंने एक अलग बात की होगी। अब पहले दोहे में उन्होंने क्या है कि मिट्टी बानी बोलने की बात की है, उसके फायदे क्या है, और दूसरों को हम सुख भी दे सकते हैं इसके बारे में बताया, मतलब ये दोहे का जो प्रसंग है इस प्रकार है। तो हमारे इस दोहे के अर्थों को हम अगर देखते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि, आप ध्यान दीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जो अहंकार रहित हो। ऐसे बानी बोलिए, मन का अपा खोई, हमें ऐसा बोलना है हमारे अंदर अहंकार न हो, नहीं तो हम दूसरों को बोलते शांत रहो, बैठ जाओ, मारूंगा तोड़ूंगा पिटूंगा, है कि नहीं, विविध प्रकार की भाषा उसे बोल देते हैं, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा।
कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर अगर अहंकार है और अहंकार की भाषा अगर हम बोलते हैं तो निश्चित उससे क्या होता है कि दूसरों को दुख ही पहुंचता है, सुख नहीं पहुंचता। देखिए तो हमें ऐसा बोलना है कि मीठा बोलना है, और मीठा तब आ जाता है हमारे मुंह से। छोटे बच्चों को भी अगर घर में हम पानी लाने के लिए कहेंगे, ए बेटा पानी लेकर आओ, कभी लाएगा नहीं, वो बोलेगा पापा मैं खेल रहा हूं। अगर उसको अगर बोलेंगे प्यार से बोलेंगे बाबू इधर आओ मुझे थोड़ा सा पानी दे देगा, जरूर देगा रे। आपको मीठा बोलने के लिए आना है, नम्र होना है, मीठा बोलना है। तो मीठे बोलने के फायदे हैं, आपके हर जगह पर काम होते हैं। नमस्कार करेंगे तो चमत्कार 100% होगा, ठीक है। नमस्कार करते समय भी आजकल बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर बोलो, फर्क है हमारी भाषा में, भाषा वही है, उच्चारण करने का फर्क है। क्या होता है जब हमारे अंदर अहंकार है तो इसी प्रकार का उच्चारण आ जाता है, और हमारे अंदर नम्रता आ गई, अहंकार रहित भाषा है तो वो मीठी ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ रहा है, अहंकार रहित हो, बोलते समय ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे हमारा तन मन स्वस्थ रहे। कहा जाता है अगर हम अहंकार में गुस्से में अगर हम भाषा बोलते हैं ना तो इसका दुष्परिणाम सिर्फ सुनने वालों के ऊपर होता है, ऐसा नहीं है तो बोलने वाले के ऊपर भी होता है। हम कितना ही कोशिश करेंगे नहीं, हमने इसको फटकार दिया, मैंने उसको ऐसा बोला, उसको तो दुख होगा ही होगा लेकिन बोलने वालों को भी होगा, कि दोनों तरफ से उसका नुकसान होता है। अपना तन मन स्वस्थ रहे। देखिए हमने अगर किसी को प्यार से बोलते हैं, मिट्टी पानी में हम बोलते हैं तो उसको तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन हमें भी अच्छा लगता है, हम देवा अच्छा है, हमारे शरीर को भी ठंडक यानी सुख प्राप्त हो और दूसरों को भी सुख आनंद मिले। तात्पर्य है कि हमारे तन मन को या तन को शीतलता सुख मिले, सुनने वाले मतलब श्रोता को भी मानसिक सुख प्रदान हो। अगर हम अच्छी तरह से भाषा बोलते हैं तो सुनने वाला भी बोलता है क्या आदमी है कितना अच्छा बोलता है, ठीक है, नहीं ऐसा अनुभव होता है ना। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके सामने जाने के लिए भी डरते हैं, हमारे स्कूल में भी ऐसा है, कुछ बच्चे किसी टीचर के पास जाने से पहले सोचते हैं जाना है क्या नहीं जाना है, क्यों कैसे बोलेंगे पता नहीं है, गुस्से में होंगे तो। अब कुछ टीचर के पास बच्चे जाने के लिए डरते ही नहीं है, उनको लगता है सर अगर हमारे गुस्से में भी हो गए ना हम मुझे तो प्यार से ही बात करेंगे। मनुष्य का स्वभाव अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देता है। तो बच्चों अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है तो आज के इस काल में कबीरदास के दोहे प्रासंगिक है। कबीरदास ने हमें मीठे बोलने के लिए कहा है तो इसलिए हमें मीठा बोलना है और दूसरों को सुख पहुंचाना है। परीक्षा में अगर आपको अर्थ लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई बदल करना नहीं है, अपनी भाषा हो लेकिन ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप इसी भाषा में इतना ही लिखे। तो ये साकी नंबर एक है, इसका सप्रसंग है, इसकी ये व्याख्या है, इस प्रकार आपको परीक्षा में लिखना होगा। यहां से विविध प्रकार के प्रश्न आपको तैयार हो जाते हैं कि कबीरदास ने हमें मीठा बोलने के लिए क्यों कहा है, मीठे बोलने के फायदे क्या हैं, कबीरदास के दोहे आज के युग में या वर्तमान में प्रासंगिक क्यों है। हम देखते हैं हमारी जीभ थोड़ी भी टेढ़ी चलती ना समाज में हमारा क्या हाल होता है देख लीजिए, कभी समाज में जाकर कभी बाजार में जाकर किसी को टेढ़ा बोल के देख लीजिए, आपका मुंह टेढ़ा 100% होगा। क्यों
क्योंकि अगर हम मीठा नहीं बोलेंगे ना हमारा कोई काम होगा नहीं है, मीठा नहीं बोलेंगे तो हमें दुख के सिवा दूसरा कोई मिलेगा नहीं है। तो आज भी ये दोहे प्रासंगिक इसीलिए हैं क्योंकि आज भी हमें मीठा बोलकर ही काम करके लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए वैसे देखा गया तो बहुत फायदे ही फायदे हैं हमारे, शारीरिक फायदे, मानसिक फायदे हैं, आर्थिक फायदे भी हैं। बैंक में जाकर देखिए मीठा बोलकर हम जल्दी से जल्दी काम करके वापस लेकर आ सकते हैं। अरे हम नौकरी प्राप्त करने के लिए अगर जाते हैं तो जब हमारी मुलाकात होती है तब वहां भी देखा जाता है कि ये बोलता कैसा है, वहां भी जाकर देखता है कि इसका व्यवहार कैसा है। फायदे ही फायदे है वैसे देखा गया तो, आप जहां भी जाए मीठे बोलने के फायदे ही फायदे हैं। मीठा बोलने से आपके जीवन को आप निश्चित एक सुखमय जीवन बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलो हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली तनवसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। बच्चों साकी नंबर दो, पहले साकी देखिए। कस्तूरी कुंडली तनवसे, यहां तन शब्द भी दिया है शायद उसमें, नहीं ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। सबसे पहले साखी में आए हुए कठिन शब्दार्थ आप देखेंगे। कुंडली का अर्थ होता है नाभि, नाभि इसको नाभि बोलते हैं। मृग हिरण ये तो पता है, घटी घटी मतलब कनकन, और कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। हम इसका अर्थ देखेंगे। सेम वही प्रस्तुत साकी पर्ष भाग दो से ली गई है, इसके कवि कबीरदास जी हैं, और इस साकी में कबीरदास जी ने हमें ईश्वर की महत्ता तथा स्थान प्रत्येक जीव में बताया है। ईश्वर की महत्ता किस प्रकार की है, अरे वो भगवान है, भगवान वह कनकन में है ये बताया गया है। कबीरदास जी उदाहरण द्वारा ईश्वर की महत्ता स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में स्थित होती है। कस्तूरी कुंडली तनबसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी कहां होती है, हिरण के नाभि में होती है, इधर ही होती है। मराठी में कहते हैं ना काकेत कलसा गावाला वलसा, है कि नहीं, अपना अपने ही पास है लेकिन हम ढूंढते हैं इधर उधर। चलो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ढूंढे ढूंढना, बन यानी जंगल, जंगल में उसको ढूंढता रहता है कौन, मृग, मृग का अर्थ हिरण, हिरण कस्तूरी को कहां ढूंढता है, कहां ढूंढता है, वन में, राइट, जंगल में ढूंढता रहता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ है और वह अपने नाभि में होते हुए भी हिरण उसको जंगल में ढूंढता है कि नहीं, मजा। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, उदाहरण उन्होंने मृग कर दिया और लोगों को या समाज को कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का ऐसा ही हुआ है, समाज का ऐसा ही है, कैसा, सब कुछ उसके पास होते हुए भी वो इधर उधर अपने ईश्वर को ढूंढता फिरता है। मुंह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तोरे पास में, नामे देवल नामे काबे कैलाश में,
ढूंढे हुई तो तुरत मिलिए पल भर की तलाश में, ऐसा हुआ है मनुष्य का। तेरा तेरे पास है, हमारे पास होने के बावजूद भी हम ढूंढते, भगवान हमारे पास है। कबीरदास जी तो कहते हैं कि घट घट में बसा है, कहां बसा है, घट घट में, कण कण में। जब भक्त प्रहलाद को उनके पिताश्री हिरण्यकश्यप पूछते हैं बताओ तेरा नारायण कहां है, लेकिन ऐसे ही पूछते तो प्रहलाद कहते हैं कि मेरा नारायण कण कण में है, इस दीवार में, हां इस दीवार में, इस पेड़ में, हां इस पेड़ में, इन पशुओं में, पक्षियों में, हर जगह में है। तो हिरण्यकश्यप खड़े होते और बोलते कि इस पोल में भी है क्या, तो जी हां मेरा नारायण इसमें ही है। एक लात मार देते हैं तो टुकड़े होते हैं और उसमें से नरसिंह रूप भगवान धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का अंत कर देते। तो मेरा कहने का मतलब, कथा सुनाना है, मेरा महत्व नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि ईश्वर कण कण में बसा हुआ है, आपके ही पास है, बस उसको जानने की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। घर में या दरवाजे पर आए भिखारी को भी हम ठीक तरह से बात नहीं करते, वो बोलता है माई कुछ खाने के लिए दे दो ना, खाना नहीं है निकल जाओ, अरे चावल दे दो, चावल नहीं है निकल जाओ, अरे कुछ तो दे दो, कुछ भी नहीं है निकल जाओ, चलो फिर आओ हमारे साथ भीख मांगेंगे और क्या। तो इस प्रकार क्या होता है, हम उसको ही ठीक तरह से बोलते नहीं है। भगवान अगर कंकन में बसा हुआ है तो हमें दूसरों का आदर करो, दूसरा कुछ नहीं करना है, आदर करो, पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे सबका आदर करो और तब आपको महसूस हो जाएगा कि आपका ईश्वर आपके ही पास है। हर किसी में अगर भगवान बसा हुआ है तो उसको कटु क्यों बोलना है, हमें मिठाई बोलना है कि नहीं। ऋषि में भगवान है, यश में भगवान है, तो मुझे उनके साथ व्यवहार कैसे करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम भगवान के साथ व्यवहार करेंगे, भगवान को नमन करते हैं, उनको भी करो। कोई अगर हमारे सामने कोई बड़ा छोटा आ रहा है ना, आदर दे दो, उसको सम्मान दे दो, बट ठीक है सम्मान भी देना नहीं, आदर भी नहीं देना है, कटु वचन तो मत बोलो। ईश्वर घट घट में बसा हुआ है लेकिन दुनिया इधर उधर देखती रहती है, कोई कैलाश में जाता है, कोई मक्का मदीना काबे कैलाश में, ढूंढे हुई तो तुरंत मिली है, वैसे हर जगह में है भगवान, हर जगह में है, ऐसे कबीरदास जी कह रहे हैं, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया देखे नहीं, दुनिया मतलब संसार, दुनिया का अर्थ क्या होता है बच्चों, संसार, संसार देखता नहीं है। अब क्यों नहीं देख रहा है, तो उनका अज्ञान रूपी अंधकार में डूब गया है, दुनिया इसको नहीं देख रही है और इसी कारण वो भगवान को इधर उधर ढूंढ रहा है। जैसे कस्तूरी को मृग ढूंढ रहा है वैसे मनुष्य भगवान को इधर उधर जगह पर ढूंढ रहा है। सब प्रसंग ऐसे लिखेंगे, व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे, कबीरदास जी उदाहरण द्वारा ईश्वर की महत्ता स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में स्थित होती है परंतु वो उसे वन में ढूंढता फिरता है, ऐसे लिखना है, अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तूरी को नहीं पहचान पाता, यही स्थिति मनुष्य की भी है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है और मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है, अर्थात मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को न ढूंढकर उसे प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर यानी मंदिर मस्जिद में जाता है, कहीं पहाड़ों में उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो
अलग अलग जगहों में हम ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर देते हैं। तो ये ना करते हुए कबीरदास जी कह रहे कि हर एक में आपका ईश्वर बसा हुआ है, उनको सम्मान दे दो, उनको मान दे दो। चलो साकी नंबर थ्री, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही। साकी नंबर थ्री, इसके शब्दार्थ देखिए। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही। शब्दार्थ देखिए, मैं आए, अंग्रेजी में आए मैं, लेकिन ये क्या है? अहंकार, अहंकार। और हरि ईश्वर, अब हरि है मैं नहीं, ये हम अर्थ में बताएंगे। अंधियारा अंधकार, और दीपक को पता ही है आपको, माही मैंने देखा, देखना। हा? जब मैं था तब हरी नहीं। अब क्या है ना, प्रस्तुत पंक्ति फिर से प्रसंग तो सब प्रसंग ऐसा लिखेंगे आप, प्रस्तुत पंक्ति वर्ष भाग दो से ली गई है, इसके कवि कबीरदास जी हैं, और इस साकी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें अहंकार को दूर करने की बात की है, या प्रभु प्राप्ति में, ईश्वर प्राप्ति में अहंकार किस प्रकार की सबसे बड़ी बाधा है उससे अवगत कर दिया है। किस साकी में? इस साकी में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार हर जगह में हमें बाधा बनकर खड़ी रहती है। अहंकार है तो हमारा कोई काम होगा नहीं है। अब क्या है, भगवान प्राप्ति में अहंकार किस प्रकार की बाधा है? देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, कहने का मतलब जब मेरे अंदर अहंकार है, हरि यानी ईश्वर, तो ईश्वर आएगा क्या हमारे पास? नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति कभी भी होगी नहीं है। कब तक? जब हमारे पास अहंकार है तब। हमारे आसपास भी या हमारे शरीर में अहंकार है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। और एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो अहंकार को कोई स्थान नहीं है। समझ में आ गया? यश ऋषि, समझ में आ गया क्या आपको? जब अहंकार है तब ईश्वर को स्थान है क्या? नहीं है, नहीं। बोलो, जब अहंकार है तो ईश्वर को स्थान नहीं है। अगर ईश्वर एक बार हमारे अंदर स्थान प्राप्त करते हैं तो अहंकार को कोई जगह नहीं है। मतलब अहंकार है तो ईश्वर नहीं, और ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही। देखिए, आपको बताते हैं कि कबीरदास जी कहते ही है, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई नहीं। अब मेरे अंदर का अहम मिट चुका है, समाप्त हो चुका है, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक, जब दीपक सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख माही, क्या है? जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान दीपक के समान है। देखिए, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, नॉलेज इज द पावर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं, नॉलेज सबसे बड़ी शक्ति है, और उस बलबूते पर मनुष्य ने कितना विकास किया। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है ना, बाकी सारी चीजें उसके पास समय अनुसार सब उसको प्राप्त होती हैं।
ज्ञान है तो, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति होती है, ज्ञान प्राप्त करो इसे। तो एक बार अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तब अहंकार कहां से आएगा, मनुष्य को पता चल जाएगा ये अहंकार तो नुकसानकारक है, नुकसानदायक है, इससे हमारा नुकसान ही होगा। ये जब पता चलेगा, मैं हमेशा आपको कक्षा में ज्ञान की परिभाषा सुनाता हूं, सीधी सरल आसान परिभाषा, क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, ये दोनों के बीच का अंतर जिसको समझ में आता है ना वो ज्ञानी है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, बहुत बार कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, अरे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता, और कुछ तो अलग कर बैठता है और बाद में पछताता है। हम बोलते अरे तेरे पास थोड़ा सा नॉलेज होता तो तू कर पाता, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब अहंकार एक बार मिट गया, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तब समझना कि अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, मतलब ईश्वर की प्राप्ति मतलब ज्ञान प्राप्त होना और अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, अर्थात अहम भाव को त्याग कर ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, या ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य को हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है, जब मनुष्य अहंकार को पूरी तरह से दूर करेगा या उसका त्याग करेगा तभी। समझ आ रहा है इस दोहे में क्या कहा है, कि अहंकार से छुटकारा ईश्वर की प्राप्ति, एक नहीं अहंकार की प्राप्ति ईश्वर को दूर करना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान अगर हमारे पास ईश्वर की प्राप्ति अगर हो गई तो अहंकार समाप्त होगा, ईश्वर की प्राप्ति होने से तो सब कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। आजकल टीवी सीरियल में देख रहा है यश, हाँ देख रहा है कि नहीं, कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि मैं ही तेरे साथ हूं। अब साक्षात ईश्वर जिसके साथ है उसको डरने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो ईश्वर की प्राप्ति जिसको हो गई उसके पास अहंकार आएगा ही नहीं है, ये ठान लो बस। चलो आगे की साखी बच्चों, ये अंतिम साखी है आज हमारी, फिर कल की तासिका में हम बाकी चार साखियों को पढ़ेंगे, ये अंतिम साखी है, क्योंकि इस तासिका में इस साखी को हम देख लेंगे, उसके बाद हम कल के तस में बाकी साखियों को देख सकते हैं। साखी नंबर चार, सुकिया सब संसार है खाए अरो सोए, दुखिया दास कभी रहे जागे अरो रोए, सुकिया सब संसार है खाए अरो सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए, कबीरा जागे अरु रोए, सुकिया सब संसार है हरो खाए अरो सोए। शब्दार्थ देख लीजिए, सुखिया सुखी, सुखिया का अर्थ क्या होता है, सब यानी सब सभी लोग, संसार यानी दुनिया। देखिए सारा संसार कैसा है, इसका अर्थ क्या हुआ, फिर सारा संसार शब्दार्थ देख रहे हैं, संसार समाज दुनिया ऐसा भी, सोए सोना, यहां गोल्ड नहीं है याद रखना, सो जाना, हा? बच्चा सो जा रे सो जा, है ऋषि नींद आती ना कक्षा में, हम बोलते ऋषि सो गए हैं कि नहीं, सो जा तो सोए सोना, रोवे रोना, ठीक है नहीं, कक्षा में कुछ बच्चे सो जाते तो कुछ बच्चे रो भी जाते हैं,
रोते इसलिए कि कुछ नहीं आता है तब रोते, अपने भाग्य को लेकर रोते यार यार, रोए रोना, सोना, यहां सो जाना ये अर्थ है हा? सो जाना, नहीं तो आप बोलेंगे गोल्ड है क्या, ऐसा कुछ नहीं। सुखिया सर्व संसार है खाए अरो सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरो रोए। फिर से प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत साकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पर्ष भाग दो से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी है। साकी में संत कबीर दास अज्ञान रूपी अंधकार में सोए मनुष्य को देखकर दुख प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुख प्रकट कर रहे हैं। अरे यार तुमको क्या हो गया, तुम्हें ये नहीं समझता पढ़ाई करनी है, घर में माता पिता जैसे चिंतित होते हैं ना, वैसे पूरी दुनिया की चिंता हमारे कबीरदास जी को है। कबीरदास जी इन दुनिया की तरफ देखते हैं, समाज की तरफ देखते हैं, संसार की तरफ देखते हैं, तो उनकी हालत पर या उनके भविष्य पर लेकर जब चिंता होती है कबीरदास जी को, तब मात्र वो सोचते रहते हैं अरे रे तुम खाने के लिए आ गए क्या रे, तुमने खाने के लिए जन्म लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है। देखिए खाने और सोने का काम, आजकल लॉकडाउन है देख रहे हैं, जब भी कोई सामान मिलता है ना लोग भर भर के लेकर आ रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कर रहे हैं इतना सामान घर में होते हुए भी सामान भरो। कबीरदास जी ऊपर से देखते होंगे कि केवल खाने और सोने के काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में दो ही काम है, खाना और सोना। चलो कम से कम हम नवोदय में हैं, हम खेल तो रहे हैं, है कि नहीं। अर्थात सब प्रकार की चिंताओं से परे हैं, कोई किसी को चिंता नहीं है, खाना है सोना है। हम आए क्यों हैं यही भूल गए, हम इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया यही भूल गए। ईश्वर ने तो हमें भेज दिया था, इसलिए भेज दिया था, मेरा भजन करेगा, कोई अच्छा विधायक कार्य करेगा, कोई समाज के लिए अच्छा काम करेगा। अरे ये तो खा रहा है सो रहा है, चिंता हो रही कबीरदास को। अर्थात सब प्रकार की चिंता से परे हो गए लोग, कोई चिंता नहीं है। अरे मेरा क्या होगा, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे मेरा कौन सा कार्य करना है, मेरे कौन से कर्म है, मेरा पुरुषार्थ क्या है, कोई किसी को कोई पता नहीं है। और इन इनसे परे होकर आदमी खा रहा है सो रहा है और मस्त रह रहा है। और ऐसे दशा या ऐसा देखकर हमारे कबीरदास जी को क्या हो रहा है, तो दुख हो रहा है। और इनमें से दुखी केवल कबीरदास जी हमारे, क्योंकि वे जानते हैं कि ये स्थिति ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि वे ही खुद जागते हैं और रोते भी हैं, जागते भी है और रोते भी है, मेरे इस संसार का, मेरे इस समाज का, इन लोगों का क्या होगा बोल के। आशय है कि सांसारिक सुखों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति सुख पूर्वक समय व्यतीत करते हैं, जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। देखिए क्योंकि हम खा रहे और सो रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, क्यों चिंता नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु का वियोग नहीं, हम प्रभु के बारे में सोचते ही नहीं है तो हम क्या टेंशन। कबीरदास जी ऐसा नहीं, प्रभु के बारे में रात दिन सोचते हैं, प्रभु प्राप्ति की इच्छा उनको है, वो हमेशा सोचते कि मेरे भगवान के पास मुझे जाना है। वो प्रभु वियोग में है, वियोग मतलब विरह, दूर है,
प्रभु को मिलने की इच्छा उनके पास है। हमें कोई प्रभु को मिलने की इच्छा है क्या? प्रभु को मिलने की अगर इच्छा है तो सुबह हम भजन करते हैं, कोई नाम लेता भगवान का, लेते क्या? लेते हैं, चलो अच्छी बात है। कोई नाम लेता भगवान का, भजन करता, कीर्तन करता, या भगवान के चरित्र को पढ़ देता। भगवान के चरित्र को पढ़ना भी है। तो ईश्वर के बारे में कोई सोचता नहीं है, ये देखकर हमारे कबीरदास जी रो रहे हैं। योग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं है। मनुष्य को अगर चैन नहीं है अच्छा नहीं लगता है, वो तो केवल संसार की दशा देखकर रोते रहते हैं। संसार की दशा को देखते हैं और रोते रहते हैं। कौन? कबीरदास जी। कैसे? हम दोहे के माध्यम से देख लिया ना कि किस प्रकार संसार की जो दशा है उसको देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए आरो सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे आरो सोए हैं। तो इस प्रकार यहां ये दोहा समाप्त हो गया है। परीक्षा की दृष्टि से देख लिया तो ये प्रसंग है और ये व्याख्या है। अब इस दोहे के ऊपर किस प्रकार का प्रश्न आएगा? हाँ, कि कबीरदास दुनिया को देखकर जागते हैं और रोते, जागते और रोते क्यों हैं? कबीरदास को दुनिया के बारे में क्या चिंता है? या कबीरदास ने कहा है कि ये संसार केवल खाने और सोने का कार्य कर रहा है, केवल खाने और सोने का कार्य कर रहा है, और ये दोनों कार्य को देखकर कबीरदास क्यों, खुद क्यों चिंता में है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते परीक्षा में। तो ये प्रश्न आप इस व्याख्या के आधार पर आप लिख भी सकते हैं। और संसार की दशा देखकर कबीरदास रोते हैं, ये भी आपको इसमें से निकल आ जाएगा। तो एकंदरित ये जो साकी है बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आपको परीक्षा में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलो आज अपने साकी 1, 2, 3, 4 साकी देखी, उसमें से सबसे पहली साकी आपने जो देखी थी ऐसी वाणी, कौन सी थी? ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाक होए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए, ये साकी आपने देखी। और इसके साथ साथ आपने उसका प्रसंग देखा, इसकी व्याख्या देखी। उसके बाद दूसरी साखी आपने देखी कि कस्तूरी कुंडली तन बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम ने, दुनिया देखे नाही, शब्दार्थ देखे। उसके बाद हमने उसका सप्रसंग देखा, सप्रसंग देखकर उसकी व्याख्या कर दी। उसके बाद हमने तीसरी साखी देखी, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। उसके शब्दार्थ देख लिए। शब्दार्थ के साथ साथ हमने साकी नंबर 3 का सप्रसंग देखा, व्याख्या देखी, और अंत में हमने चौथी साकी देखी। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इसके शब्दार्थ देखे, और शब्दार्थ देखने के बाद हमने पुनः इसका सप्रसंग और व्याख्या देखी। इस प्रकार हमने आज के इस तासिका में या इस पाठ में अपने 4 साखियों का अध्ययन किया है। चलो कल हम इसी समय में यही आप फिर से आने वाले 4 साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपको विश्राम देता हूं। धन्यवाद।